लक्के भाई लक्के निमका इधर गाड़ी और अभी मामा ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स A few moments later. Good morning everyone. कैसे हो आप? होप के सब ठीक होंगे, मस्त होंगे. दोस्तों हम चलते हैं घूमने के लिए और साथ में किया जाएगा ब्लॉग शूट और किया जाएगा खूब सारा फन. जा रहे अल्टीमेट सुनील भाई और पीछे है उनके लक्की भाई. मेरे पीछे बैठे हैं अल्टीमेट भाई के छोटे भाई सचिन अल्टीमेट और पीछे आ रहे हैं राजकुमार भाई. और हमारा जो टूर है आज है नैनीताल का और जिसका हम स्टार्टिंग कर चुके हैं. ये है रामनगर का नया वाला बैराज और करेंगे आज खूब फन, खूब सारा फन करेंगे और आएगा खूब आपको मजा. देखते रहेगा हमारी वीडियो को लगातार, बने रहेगा हमारे साथ. अल्टीमेट सुनील भाई, लक्की भाई और सचिन भाई सब यहाँ पे आ गए. एक टीम अभी हमारी आने वाली है तो टीम अभी पूरी नहीं हुई है. हम उनका कर रहे हैं यहाँ पे वेट. अब पता नहीं इनको कितना टाइम लगेगा. पेट्रोल करा लिया है फुल और बस अब निकलने की देर है और हम कर रहे हैं उनका वेट. पता नहीं कितनी देर में आते हैं. निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल. दोस्तों हम पहुंच गए हैं काला ढोंगी और हम जा रहे हैं नैनीताल वाली रोड पे और हमारे साथ हमारे सभी दोस्त आ गए हैं. यहाँ से लेंगे थोड़ी थोड़ी चाय. अल्टीमेट सुनील भाई के थोड़े से मामला कर रहा है और राजकुमार भाई पहुंच गए और सबू भाई भी आ गए हमारे और हम यहाँ से लेते हैं थोड़ी थोड़ी चाय. हनी सिंस लक्की भाई अपने क्या हाल चाल मामला? वो स्कूटी वाले. तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आगे भी बहुत सारे फन होने वाले हैं. फिलहाल थोड़ी सी चाय लेते हैं क्योंकि सुबह हम जल्दी घर से निकल गए थे. सब लोगों की वजह से हम थोड़े से लेट हो गए हैं. यहाँ पे लेंगे चाय पानी और भैया भी आ गए हैं हमारे लास्ट वाले भैया और हम सभी सारी टीम यहाँ पे इकट्ठी हो गई है. A few moments later. चल दिया और सारी टीम इकट्ठी हो गई है. हमारे अल्टीमेट सुनील भाई भी आ गए हैं, पीछे हमारे राजकुमार भाई और काफी लोग हैं और हमारे भाई स्कूटी से भी हैं. हम लगभग 10 लोगों की आज टीम हो गई है और अब चलते हैं. अब हम सब ने डिसाइड किया कि आराम आराम से चलेंगे क्योंकि अल्टीमेट सुनील भाई बहुत स्पीड से चलाते हैं गाड़ी. सबके पास बहुत हाई फाई गाड़ियां हैं, पीछे वाली भी गाड़ी हाई फाई, हमारे पास थोड़ी हल्की गाड़ी है लेकिन फिर भी चलो अब चलेंगे आराम आराम से. और देखिए दोस्तों कितने खतरनाक मोड़ है और जैसे कि मैं स्कूटी करवाया डंपर वाला इतनी तेजी से लेके आ रहा था कसम से उसको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए. रोड बड़े खतरनाक है, मेरी गाड़ी का टायर थोड़ा छोटा है, अगर मैं ज्यादा इसको बिछाऊंगा तो मैं ही बिछ जाऊंगा, इसलिए मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूँ. अल्टीमेट सुनील भाई तो जा रहा है बड़े खतरनाक तरीके से क्योंकि उनको डर भी नहीं है कि गाड़ी का टायर बहुत चौड़ा है, फिसलने का कोई सिस्टम नहीं है. बट हमारी गाड़ी का टायर थोड़ा सा पतला है और हमारे स्कूटी वाले भैया आगे जा रहे हैं तेजी से और एकदम से रोक दे रहे हैं. समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं बट बहुत खतरनाक वाला मामला. बस यहाँ पे यही डर रहता है क्योंकि रोड है ये मतलब कम चौड़ा है और सवारी यहाँ पे बहुत ज्यादा आती जाती है क्योंकि रोड अच्छा है तो ज्यादातर कारें वारे इस रोड से चलती है. तो थोड़ा सा डर ये लगा रहता है कि हिसाब से चलना पड़ता है यहाँ पे. और अब जितना भी हम ऊपर को जाएंगे बस चढ़ाई दूसरे तीसरे में गाड़ी चलेगी, ज्यादा इससे नहीं खींच पाएगी तो इसलिए आराम से चलेंगे अपने अपने व्यूज का लेते हुए मजा. नीचे बहुत खतरनाक है, बहुत सारा बहुत ही गहरा है नीचे और अभी तो हम शुरुआत की है. अब देखते हैं ऊपर कितना ऊपर तक जाते हैं. मजा आ रहा है दोस्तों, आज तो ब्लॉग भी मस्त होगा, फन भी जबरदस्त होगा और घूमना भी जबरदस्त होगा आज. और दोस्तों हम नैनीताल के आधे रास्ते में रुके हुए हैं. नैनीताल अभी यहाँ से है लगभग 18 किलोमीटर है और बहुत खतरनाक पहाड़ी है. लक्की भाई यहाँ पे रुक गए थे, सुनील भाई हमसे आगे निकल गए थे तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए आगे. और बहुत खतरनाक व्यू से पहले यहाँ पे एक झोपड़ी शायद होगी, चाय वाय का सिस्टम होगा यहाँ पे बट इस समय नहीं है. और आ गए हमारे कुमार भाई भी आ गए हैं और तुम्हारे के भाई भी साथ वाले वो भी आ गए हैं. भैया इधर लाओ, इधर प्लीज ऐसा मत करिए, कहीं और जाके अपनी गांड मराइए. गलत तरीके से रोकी तुमने गाड़ी और अभी मामला देखा आपने, लापरवाही का नतीजा. ए देखिए इनको चक्कर आ रहा है इसमें. भैया इधर ले आ इधर गाड़ी. दोस्तों बहुत ही खतरनाक व्यू है इधर का, इससे नीचे भी जा सकते हैं लेकिन इसमें मेरा सर थोड़ा सा घूम रहा है इसलिए मैं इससे नीचे जाऊंगा, फिर भी जाऊंगा. घूम रहा तो क्या हो गया. और बहुत ही खतरनाक दृश्य है, इतना गहरा है नीचे कि मत पूछो कितना गहरा है. चलो मत पूछो दोस्तों, आप उतरते हैं नीचे थोड़ा सा. खतरनाक. ओ माय गॉड, गजब का दृश्य है दोस्तों. इससे नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है और ये चीड़ के पेड़ है, दूर से देखने में इतने मस्त लग रहे हैं बहुत ज्यादा. मतलब जो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो होने वाला है बहुत ही मस्त, आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा. तो हमारे वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिएगा और आपको दिखाएंगे भी आगे का व्यूज क्योंकि अभी नैनीताल यहाँ से 18 किलोमीटर और सभी लोग यहाँ पे रुक गए इकट्ठे आ गए. अभी राजकुमार भाई की गाड़ी गिरने से बच गई क्योंकि उन्होंने गलत वे पे पार्क की गाड़ी और थोड़ा रास्ता घूम आया था, थोड़ा सरसा घूम रहा होगा इसलिए वो खड़े खड़े गिर गए. और मैं चढ़ूंगा अभी साली चोटी पे और वाँ!
बहुत मजा रहा दोस्तों, गजब का सीन है यहाँ से तो। लक्की भाई, लक्की भाई, अरे भाई जिंदा सोने सोना है। लक्की भाई उड़ गए निमका। दिस इज अ चूतिया आइटम। और हम अभी पीछे रुके थे और हम फिर चल दिए हैं। अल्टीमेट सुनील भाई बहुत आगे निकल गए थे, बहरहाल हमने इनको पकड़ ही लिया है, लेकिन ये फिर भी आ गया क्योंकि इनकी गाड़ी चलती है बहुत ज्यादा स्पीड से और इनके साथ बैठे हैं बहुत ज्यादा हाई फाई चलने वाले हमारे खतरनाक वाले स्टंट मैन है लक्की भाई। और अभी हम ले गए खतरनाक सा मोड़, बहुत ही डेंजरस मोड़ है यहाँ पे दोस्तों। और दोस्तों हम लगभग पहुंच गए नैनीताल के आधा, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर लगभग नैनीताल रह गया होगा। और पीछे बहुत खतरनाक मोड़ था, ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है ओवरटेक करने में। सुनील भाई निकल गए आगे और यहाँ से थोड़ा सा हो जाता है ठंडा स्टार्ट, हल्का हल्का अभी पीछे थोड़ा गर्मी लग रही थी, अब यहाँ से ठंडा स्टार्ट हो गया है। जितना हम ऊपर को जाएंगे शायद उतना ही ठंडा होता जाएगा। और मैंने तो ठंड का कर लिया है जुगाड़, मतलब वाला जुगाड़ नहीं दोस्तों जो पीने पाना वाला होता है, वो नहीं, जैकेट का। लक्की भाई ने आज सीट चेंज कर दिया, लक्की भाई मेरे पीछे नहीं बैठे, आज सुनील भाई के पीछे बैठे हैं क्योंकि लक्की भाई का कहना यह है कि दिनेश भाई तुम ज्यादा तेज गाड़ी चलाते नहीं, मजा नहीं आता तुम्हारी गाड़ी के पीछे बैठ के, खूब तेज चलाओ खतरों से खेलो। तो भैया अपने बस की बात तो है नहीं खतरों से खेलना ना, क्योंकि हम कोई खतरनाक खिलाड़ी तो है नहीं, हम चलते हैं बहुत आराम से। जैसे देखो ये मोड़ तीखा, अब यहाँ से आराम से चलेंगे, पता भी लगा गाड़ी को ये कर रहा वाला मामला खतरनाक। और अभी हमारे साथ के जो हमारी टीम के बंदे थे वो कुछ पीछे रह गए हैं, अभी आ रहे हैं पीछे, इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। सुनील भाई तो खैर आगे निकले गया क्योंकि वो चलते हैं बहुत तेज। एक खतरनाक सा व्यू उसका मैं वेट कर रहा हूँ जो आ जाए एकदम झकास वाला, कतई ऐसा मोड़ बिल्कुल जिसे देख के एकदम मजा आ जाए, शायद आ गया है। लेकिन दोस्तों ऐसे मोड़ों पर हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि ये जो मोड़ होते हैं ना ये बड़े कमीने होते हैं, खतरनाक होते हैं ऐसे मोड़ पे। ये सीन है, ये है सुसाइड पॉइंट। यहाँ का दोस्तों व्यूज आता है बहुत खतरनाक, यहाँ से मतलब मजे आया था यहाँ पर आके। एक तो यहाँ पे ठंडा इतना है, जबरदस्त वाला ठंडा है, और इसके नीचे बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आगे जाने की जगह है, थोड़ा सा वहाँ तक जाएंगे देखते हैं। और हमारे साथ के लड़के भी पीछे रुके हुए हैं क्योंकि सुनील भाई निकल के आ गए और वो उनको जो पीछे लड़के रह गए हैं राजकुमार भाई उनको रोकने के लिए रुके हुए हैं। खतरनाक व्यूज़ है यार दोस्तों, मज़ा आ गया। यहाँ मैं एक बार फर्स्ट टाइम, एक बार पहले भी आया था, अब से लगभग 7-8 साल पहले करीब आया हूँगा। और वो एक नीचे से रोड है जिस रोड से हम अभी आए हैं, और ये सीधा ऐसे घूम के वो सामने से उधर से घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के ये ऊपर चढ़ती है, तब यहाँ पे आके रोड आती है। मस्त है यहाँ पे, गजब की लोकेशन है। चलते हैं थोड़ा सा नीचे और चल के नीचे देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि गहरा बहुत है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा गहरा है। देखिए दोस्तों वो सामने रोड दिखाई दे रही है आपको, वो रोड ऐसे घूम के जैसे घूम के ऊपर आती है जिस रोड से हम अभी अभी आए हैं। और हम यहाँ पे आके हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। नीचे इतना प्यारा दृश्य दिखाई देता है क्योंकि नीचे काफ़ी रिजॉर्ट है, वो देख रहे हैं कितना खतरनाक सा रिजॉर्ट है, वो बहुत प्यारा तरीके से बना हुआ है मस्त। नैनीताल में तो दोस्तों सारी चीज़ें बहुत मस्त तरीके से बनी हुई हैं, यहाँ के व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, मतलब उच्च लेवल की टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट लेवल जिसे बोलते हैं। और दोस्तों लगभग नैनीताल हम पहुंच गए हैं, ये नैनीताल का मेन वो है। और देखते हैं यहाँ से दोस्त लोग किधर की साइड को जाते हैं, राइट लेफ्ट टीम सारी इकट्ठी हो रही है हमारी, मुझे पता नहीं ना किधर है। ओ नो 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 नो, अरे यार वो एकदम निकल जाती है ना। और ये यहाँ का मेन मार्केट, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि हम नैनीताल पहुँच गए, मैंने सोचा भी नैनीताल लगभग काफ़ी दूर होगा यहाँ से, लेकिन बट हम नैनीताल पहुँच गए। और हम जा रहे हैं देख वाई पास वाली रोड पे, लक्की भाई का कोई एक जगह है जहाँ पे लग हमें लेके जाना चाहते हैं, शायद होगा कुछ अच्छी सी जगह होगी, चल के देखते हैं आगे करते हैं उस चीज़ का निरीक्षण। बहुत ही ठंडा है यहाँ पे और बहुत मस्त है दोस्तों, जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे गर्मियों में भी कोई पसीना पसीना ना हो, बस मस्त है, मज़ा आता रहे। और एक छोटी सी हम जा रहे हैं, ये एक मार्केट को जाती होगी, हो सकता है यहाँ पे एक पार्किंग हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम पहले आया था, लगभग लगभग 7-8 साल पहले आया हूँगा, ज़्यादा हो गया और भी टाइम, तो तब से मैं अब आया हूँ बाइक से। उस समय भी मैं बाइक से ही आया था, एक बार मैं कार से आया था तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि मुझे कार में बहुत ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, इसलिए मेरा ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। बट आज मैं बाइक से ही आया हूँ तो बाइक से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ऊपर से हेलमेट लगा हुआ है, हवा लगती नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी ठंड लगती है। ओहो क्या चीज़ है, चैनी खानी लक्की भाई, चैनी खानी, हमें मुझे नहीं पता मैं कहीं निकल जाऊँगा, हमें पता है नहीं कहाँ जाना है दोस्तों। अभी एक हो गया था ओवरटेक, एक्चुअल क्या था मैं बहुत तेज़ी से ओवरटेक कर रहा, मैं देख रहा था ट्राई करके कि कैसे ओवरटेक होता है, कर लिया, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा बच गया है, अभी हो जाता कांड
लेकिन नहीं इतना कुछ है नहीं, गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज थी नहीं, कंट्रोल हो जाती आराम से उसके भी और मेरी भी, बट डर था जो पीछे जो कार आ रही थी वो थोड़ी सी टक्कर मार सकता था, बट सही है हल्के फुल्के जोखिम तो होने चाहिए ना पहाड़ में, तभी तो मज़ा है। काफ़ी जल्दी पहुंच गया दोस्तों हम नैनीताल, अभी लगभग 10:45 हो रहा। अरे वाह नैनीताल का झील है, और इस झील में मैं कई बार बैठा हूँ, उस समय किराया लगभग 150 था यहाँ का, लगभग 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो 500 रुपये ले लेंगे, इतने तो हमारे पास सारे नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इधर को देखना बेकार है, सीधा देखेंगे हम आगे को। और वाह साइकिल ही साइकिल है, क्योंकि यार अरे वाह मज़ा आता है दोस्तों। ज़्यादा मैंने देखा यहाँ के लोग ज़्यादातर फिट होते हैं, क्योंकि फिट होने का कारण ये है कि यहाँ पे पैदल चलने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, कोई गर्मी गुर्मी लगनी नहीं है, आप जैकेट, आप साल के 12 महीने आप यहाँ पे जींस वगैरह जैकेट वगैरह पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट हमारे रामनगर में लोअर में पसीना भी सूखता नहीं है मेरा, कच्चा भी गीला हो जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। दोस्तों बहुत बड़ा टूरिस्ट एरिया है ये, बहुत बड़ा टूरिस्ट एरिया, इतना टूरिस्ट है, मैं सोचा पीछे इतनी सारी पार्किंग है तो हो सकता है नैनीताल ना हो, बट वो नैनीताल की ही पार्किंग थी शायद, टैक्सी स्टैंड था वो, वहीं से टैक्सियाँ वगैरह मिलती होंगी आगे जाने आने जाने के लिए। और ये हमारे अंग्रेज भाई रखे हैं, ये अंग्रेज आके बता के नैनीताल के बारे में क्या है, यहाँ की नैनीताल की खासियत क्या है यहाँ पे? Do not everything. Everything is very interesting. You guys and that hill is wow. Samundar is interesting. Not is very much interesting. अरे कहना क्या चाहते हो? Oh. Yeah. What? क्या था इसका मतलब? इसका मतलब क्या था? सभी लोग चल रही है आगे की साइड, थोड़ा सा घूमेंगे इधर झील के किनारे और थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हम नैनीताल पहुंच गए हैं और यहाँ का ये हमारे साथ है लक्की भाई हमारे, ये है रोडवेज बस अड्डा, खतरनाक वाला मामला कतई कर रहा है। और हमारे साथ आज हरिप्रकाश भाई नहीं आए, उनको पड़ गया तो कोई रुड़की में काम हो गया, रुड़की पेपर देने गए अपना, देख रहा होगा ये देखिए गाइस खतरनाक। ओ वाओ माय ड्रीम बाइक, दोस्तों जो मुझे अच्छी बाइक दिख जाती है मेरी ड्रीम बाइक हो जाती है। 38 माची लक्की भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज ए बवाल आइटम, क्या है ये? यू कैन इज मछली, क्विक कैन मछली, यू कैन यू टैरिंग इज, ओ माय गॉड दिस इज मछली, मछली वाओ दिस इज नाउ वाओ पहाड़ों में, ओ माय गॉड दिस इज सॉरी दोस्तों देखिए, अबे अबे बड़ी 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 आ रही है, अरे बा ओ यहां पे ये अलाउड नहीं होगा पकड़ना इन्हें, ए वो मछली कितनी खतरनाक है वे। दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी कितनी प्यारी मछली है, उसका कलर ही अलग है, गजब यार। यू गाइस टाइटैनिक, लक्की भाई कह रहे हैं गाइस टाइटैनिक, यू गाइस, यू गाइस क्या, यू गाइस गाइस, यू गाइस टाइटैनिक, टाइटैनिक यू आर इंटरेस्टिंग नॉरिच का कैटेगरी मिली फॉर वन डे, यू आर खाइंग अंडे। दोस्तों ये वही